कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ कर्नाटक की भारतीय जनता पक्ष ने एक पद यात्रा शुरू किया है। 3 तारीख को हम लोगों ने पद यात्रा शुरू किया था, हमारे अध्यक्ष जो है विजेंद्र जी के नेतृत्व में। और दिन ब दिन हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लोग दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लोग हैं हमारे राज्य में, अधिकतर लोग इसमें शामिल हुए हैं। पदयात्रा में रोज 15 किलोमीटर तक ये पदयात्रा चलता है। मैसूर चलो बोल के एक पदयात्रा शुरू हुआ था। और मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, डॉक्टर होने के नाते भी मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये पदयात्रा में हिस्सा ले रही हूँ। अकेली मैं डॉक्टर नहीं, अनेक डॉक्टर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैसूर मंड्या रीजन में, बेंगलोर टू मंड्या जो है, रोज वहाँ पे बीजेपी डॉक्टर सेल की तरफ से स्क्रीनिंग हो रहा है। 3 एम्बुलेंस लेके अधिकतर डॉक्टर्स हैं और स्टाफ नर्सेस बॉयस हैं। 2,000 से 3,000 लोगों का मेडिकल चेकअप होके उनको औषधि भी दिया जा रहा है, मेडिसिन भी फ्री चिकित्सा चल रही है। तो ये खाली एजिटेशन नहीं है, उसके साथ सर्विस भी जो चल रहा है, इसके बारे में उनको माहिती देना चाहती थी। और सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में जो ये पूरे स्कैम्स हुए हैं, ST SC के स्कैम्स, वाल्मीकि निगम के 189 करोड़ के स्कैम जो हुआ है, मूडा में जो स्कैम हुआ है उनके पत्नी पार्वती जी का, तो ही पर्सनली ही इज इन्वॉल्व इन टू दिस। और वाल्मीकि निगम का भी उनको ही हम दोषी देते हैं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जो फेक अकाउंट्स ओपन करके दूसरे राज्यों को जो अमाउंट भेजा गया है, दैट वॉज ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो हम ये स्टेट इलेक्शन से पहले हम लोगों ने बोला था, अमित शाह जी ने बोला था, हम लोग मीडिया की तरफ से बोले थे, मीडिया के वक्ता होके में हमने बोले थे कि अभी जो बन रहा है ATM सरकार बन रहा है कर्नाटक कांग्रेस में, और जो ये ATM सरकार है दूसरे राज्यों को उनके इलेक्शंस के लिए फंड करने वाला है। और अभी आप देखें तो ED और CBI के रिपोर्ट्स के, इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से ये फंड्स दूसरे राज्यों को ट्रांसफर हुआ है। दूसरे राज्यों में जो गोल्ड स्मिथों को हुआ है, वाइन शॉप्स ओनर के हुआ है, एक दो ने लैम्बोर्गिनी कार खरीदा है, और KG दो दो तीन तीन KG यहाँ नागेंद्र मिनिस्टर को आया है, दद्दार को आया है। तो ये सब जो है इन्वेस्टिगेशंस हुआ है, प्रूव हुआ है। खुद सिद्धरामैया जी ने इसको कबूल किया है असेंबली में कि 87 करोड़ का स्कैम हुआ है बोल के। तो इस हिसाब से उनको कोई भी नैतिकता नहीं है। CM जो कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी राज्य की, तो उनको कोई हक नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर के चेयर पे टिके रहें। उनको अभी के अभी इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं देंगे तब तक हमारा ये एक ना एक रंग रूप में हमारा ये ऑपोजिशन उनके खिलाफ चलता रहेगा। और ये अधिकतर हम लोग क्यों कर रहे हैं बोले तो, जो हमारे दीन दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, और हमारे ST SC फंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 18% उनको ही जाना चाहिए, वो किसी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और वाल्मीकि निगम का जो फंड्स है ये सब जो है, और लेबर सेल्स के जो 5,500 स्कैंडल जो है, तो इस सबको न्याय मिलना चाहिए, गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, दिन रात मेहनत करके हम लोग टैक्स पे करते हैं। और ये टैक्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे राज्य के डेवलपमेंट के लिए किया जाए, गरीब लोगों के लिए किया जाए, तो ये नहीं हो रहा है। ये तो कांग्रेस सरकार की ATM फंडिंग हो रहा है दूसरे राज्यों के इलेक्शंस के लिए। तो आई एम वेरी मच एज अ डॉक्टर एंड डॉक्टर सेल स्टेट मेंबर एंड मीडिया पैनलिस्ट एज अ स्पोक्स पर्सन, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस।